हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होगा तो प्लीज उसे इग्नोर करें। आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो थोड़ा दोस्त लोग थोड़ा साउंड वाउंड बजा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेक्टर में। आज अपन पढ़ेंगे एस्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आगे अगर चल रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको हर एक चैप्टर में, फिजिक्स के हर एक चैप्टर में आपको ये जरूरत पड़ेगा। जितना भी वेक्टर वाले चैप्टर है सभी में पड़ेगा, एक्सेलर वाले में भी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो आज का हेडिंग है एस्केलर प्रोडक्ट। एस्केलर प्रोडक्ट, एस्केलर प्रोडक्ट को अपन डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इन दोनों का। जैसे सपोज मान लो मेरे पास कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, ये दोनों मेरे पास वेक्टर है। ठीक है, इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है तो लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये जो होता है सिंपली वो होता है मेरे पास ए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये होता है मेरे इसका फॉर्मूला। ठीक है, रिलेशन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, वो होता है आपका ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इसमें बस हम पॉइंट पॉइंट देखेंगे अपन, ज़्यादा कुछ डीप डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, जितना हमको काम में आता है उतना ही चलेंगे, क्योंकि मैथ्स का टॉपिक है, 11th 12th का मैथ्स का टॉपिक है, जो कि हमारे लिए बस फिजिक्स पढ़ने के लिए उतना ही जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट इसमें देखते हैं। तो वो आपने देखा था कि अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स है, ये वाई है, ये माइनस वाई है। ठीक है, तो इसमें इसको बोलते थे आई कैप, इसको माइनस आई कैप। ठीक है, इसको जे कैप, इसको माइनस जे कैप। ठीक है, और इसको बोलते थे के कैप, मतलब कि माइनस के कैप, और ये हो गया हमारा, ठीक है, के कैप, और इसमें मतलब कि जेड एक्सिस, ये माइनस जेड एक्सिस, ये था। इसमें देखो ये सारा के तीनों एक्सिस जो है, मतलब आई कैप परपेंडिकुलर होता है जे कैप के, ठीक है, और ये के कैप के, ठीक है, ये सब क्या होता है आपस में परपेंडिकुलर होता है, इतना तो पता है ना। अब जब ये परपेंडिकुलर होता है आपस में तो मतलब आई और जे के बीच में एंगल लाइन की रीडिंग, जे और के बीच में एंगल लाइन की रीडिंग, आई और के बीच में एंगल लाइन की रीडिंग। तो अपन यहाँ पे आई कैप, ठीक है, इंटू आई कैप, आई आई देखेंगे तो इसका मतलब दोनों सेम वेक्टर है, तो पैरेलल वेक्टर होगा, एंगल जीरो, तो इसका एंगल जीरो, तो कॉस जीरो का मान होता है वन, और ये आई और आई दोनों का यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड वन होगा। ठीक है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, वन आएगा, प्लस जे कैप डॉट जे कैप, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल होगा दोनों। ठीक है, क्या क्या होगा, इसका वैल्यू वन आएगा, इसका वैल्यू वन आएगा। आगे देखते हैं के कैप डॉट के कैप, इसका वैल्यू क्या आएगा, वन आएगा, इन सब का वैल्यू क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगर हमारे पास आई कैप डॉट जे कैप करते हैं, तो ये दोनों क्या हो गया, आई कैप जे कैप परपेंडिकुलर, तो दोनों का वैल्यू जीरो होगा। वैसे होगा अगर मान लो हमारे पास जे कैप इंटू के कैप करते हैं, ठीक है, जे कैप का क्या, जे के क्या करते हैं, ठीक है, ये भी बराबर जीरो होगा। आई आई डॉट के करते हैं, आई डॉट के करते, ये भी मेरे पास क्या आएगा, जीरो ही है, ये सब का वैल्यू जीरो आएगा। ठीक है, सेम का करेंगे तो क्या होगा, वन आएगा। ठीक है, और आई जे करेंगे, जे के आई के करेंगे, जीरो आएगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, थीटा कितना है, चल के पीछे थीटा कितना, 90 डिग्री, और यहाँ पे कितना है, थीटा कितना होगा, यहाँ मेरे पास होगा थीटा 180 डिग्री, मतलब 90 डिग्री, कितना है यहाँ पे, 0 डिग्री या 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब देखो, अगर मेरे पास सपोज अगर मेरे पास जैसे मान लो ए वेक्टर है, ए वेक्टर को अपन लिखते हैं इस केस में ए एक्स आई कैप के फॉर्म में, ए एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस ए वाई जे कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस फॉर्मेट में लिखते हैं, या बी वेक्टर को अपन ऐसे लिखते हैं, बी वेक्टर इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर इस फॉर्मेट में लिखते हैं आर एस में कॉम्पोनेंट, तीनों एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट में, अब यहाँ से अब अगर मेरे पास ए डॉट बी वेक्टर लिखना हो तो
सिंपली यहाँ क्या होगा, ए और ए को गुणा करेंगे, बी और बी को यहाँ पे एक्स कंपोनेंट फिर वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आई और आई क्या यूनिट वेक्टर तो सिर्फ इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास ए एक्स बी एक्स, ठीक है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, ये x कंपोनेंट y कंपोनेंट z कंपोनेंट, अभी दोनों के बीच में अंगल 0 डिग्री हुआ तो इसलिए सिंपली हम यहां पे क्या लिखे, cos 0 तो 1 होता है, तो यहां मैक्सिमम वैल्यू आएगा मैं x dx y dy z dz, ठीक है। आरएस में आगे अपन देखते हैं, तो ये कुछ पॉइंट आप ध्यान रखो, एक पॉइंट ये हो गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखो मेरे पास ये a वेक्टर है, ये हमारे पास a वेक्टर है आरएस में, और ये हमारे पास b वेक्टर है, ये हमारे पास b वेक्टर है, ठीक है, ये b वेक्टर है और ये हमारे पास a वेक्टर है, ठीक है। तो b वेक्टर का और दोनों बीच में एंगल थीटा है, और इस b वेक्टर का कंपोनेंट डाले एक एरो, ठीक है, ये कहीं आएगा मेरा, ये आएगा, और ये कितना आएगा b, इधर कंपोनेंट क्या आएगा b cos थीटा, क्या आएगा b cos थीटा, और इसमें तो और इधर कंपोनेंट क्या आएगा इसका, ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, ये आएगा बी साइन थीटा, ये है बी साइन थीटा, ये हमारे पास है बी साइन थीटा, ठीक है, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी साइन थीटा है, और ये इसका जो एक एलोम है ये है बी कॉस थीटा, तो ये हो गया बी का मतलब कि इस बी का पैरेलल कंपोनेंट, सीधा पैरेलल कंपोनेंट अलोंग द ए वेक्टर, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये क्या है परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसमें, और देखो और हम यहाँ पे जो लिखते हैं ए डॉट बी वेक्टर जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, क्या लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ से अगर हमको बी कॉस थीटा लिखना हो, ये जो बी कॉस थीटा है, अगर बी कॉस थीटा लिखते हैं तो वो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, अपन में ए, ठीक है, तो इसको अपन ये कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ये तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये देखो बी कॉस थीटा है अलोंग ए, या इसको बी पैरेलल बोल सकते हैं, ये पर बोल सकते हैं इसको बिल्कुल। और यहाँ पे ए क्या है, ए है, ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड किसका, ये मैग्नीट्यूड उसका है, उसका है जिसके अलोंग कंपोनेंट निकालना, उसका मैग्नीट्यूड हो गया ये, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको। अगर मान लो किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकाला किसी के अलोंग, इसे कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट, अपन जिस वेक्टर के अलोंग निकालना है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर देखो अगर हमारे पास जैसे कि अगर इसका वेक्टर फॉर्म है, ये तो मैग्नीट्यूड आया ना सिर्फ, ये सिर्फ क्या है, इसके पास कोई डायरेक्शन ना है, ये मैग्नीट्यूड आया, अगर यहाँ पे हमको बी वेक्टर, ये बी पैरेलल आया मेरे पास, बी पैरेलल आया, इसका अगर मेरे पास डायरेक्शन वेक्टर के फॉर्म में निकालना है तो क्या निकालेंगे, ये जो मेरा बी वेक्टर है साथ में बी वेक्टर का जो है हमारे पास डायरेक्शन होना चाहिए, और ये बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है ये किसके अलोंग है, ये अलोंग ए वेक्टर है, ये अलोंग ए वेक्टर है, जब अलोंग ए वेक्टर है तो इसका मतलब यहाँ पे ए कैप और बी पैरेलल दोनों का कैप बराबर होगा ना, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन होगा ना, तो यहाँ पे हम जो सिंपली यहाँ बी वेक्टर पैरेलल का जो बी पैरेलल वाला कंपोनेंट है इसका जो वेक्टर फॉर्म लिखेंगे क्या लिखेंगे, बी पैरेलल डॉट ए कैप, ठीक है, ये हो गया। और ये हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास कितना आया, ये आया ए
ए डॉट बी, ए डॉट बी बटा ए, ये तो क्या था हमारे पास, ये तो मेरे पास क्या है, पैरेलल वेक्टर बी कॉस थीटा, ये पैरेलल कंपोनेंट है, लोगों कंपोनेंट कंपोनेंट, और ये क्या क्या होगा, ए वेक्टर अपर में ए का मैग्नीट्यूड ये आएगा ना, ए वेक्टर अपर में ए का मैग्नीट्यूड ये आएगा ना, इस तरह से अपन कर लेंगे। अच्छा अगर मेरे पास पैरेलल कंपोनेंट मतलब कि बी वेक्टर जो निकालेंगे तो बी वेक्टर क्या होगा यहाँ से, बी वेक्टर तो ये होगा ना, बी का पैरेलल कंपोनेंट प्लस बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा ना सब। अगर यहाँ से हमको बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है तो बी वेक्टर में से हम बी पैरेलल वेक्टर हटा देंगे, ठीक है, तो ये कर लेंगे अपन, ये होगा। तो इस तरह से अपन सीक्वेंस होता है निकालने का, ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें अपन अच्छा से देख लेंगे, ठीक है। ये उसके बाद आपको मान लो पूछ दिया कभी एंगल बिटवीन द वेक्टर, ठीक है, एंगल बिटवीन द वेक्टर, तो इसको भी अपन आराम से निकाल सकते हैं। एंगल बिटवीन द वेक्टर यहाँ भी क्या होगा मेरे पास, मेरे पास यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपर में ए बी, ये करके हम कॉस थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं। और यह थीटा अगर 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री है इसका मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों क्या आपस में परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर क्या आपस में परपेंडिकुलर, अब यहाँ से एंगल अपन निकाल सकते हैं ये करके, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे ना, क्वेश्चंस में काफी अच्छा से क्लियरेंस आएगी। जैसे कि हमारे पास कोशिश करते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि मेरे पास बी वेक्टर दिया हुआ है, वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है आई माइनस जे प्लस टू के, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये हमारे पास दिया हुआ है वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी का वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, हमारे पास एक्सेलरेशन वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर दिया हुआ है टू आई प्लस जे, ठीक है, माइनस थ्री के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, अगर यहाँ पे सिंपल एक क्वेश्चन को देखें, कुछ सीखते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे ये दोनों वेक्टर दिया हुआ है, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर, अगर यहाँ पे हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं, ठीक है, यहाँ क्या होगा, दोनों का सिंपली कंपोनेंट का जो ये, ठीक है, ए एक्स ए एक्स बी एक्स बी एक्स, सॉरी ए एक्स बी ए बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड करके निकाल लेते हैं अपन कंपोनेंट याद है ना, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे वन है तो वन इंटू टू, ठीक है, टू माइनस वन, ठीक है, माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस वन, टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स, ठीक है, ये आया मेरे पास, ये आया मेरे पास माइनस फाइव, मतलब ये जो कंपोनेंट आ रहा है ये माइनस में आ रहा है, मतलब कि निगेटिव आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है, ये निगेटिव वैल्यू आ रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू आया है, मतलब एक्सीलरेशन वेलोसिटी के बीच में एंगल जो होगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर ये मेरे पास कंपोनेंट नेगेटिव आ रहा है, अच्छा बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट होता है क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है ना, मतलब यहाँ पे अगर ये मेरे पास अगर ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब मेरे पास ए डॉट बी वेक्टर बटा ए भी नेगेटिव आएगा, ये भी क्या आया, नेगेटिव आया, ये निगेटिव मतलब यहाँ से कॉस थीटा मेरे पास क्या आया, निगेटिव आया, कॉस थीटा निगेटिव वैल्यू कब आता है, जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, थीटा क्या हो 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल हो, थीटा क्या हो ऑब्ट्यूस एंगल हो, उस केस में क्या आता है, ये निगेटिव आता है, इसका मतलब ये हुआ थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मतलब कि यहाँ से ए वेक्टर बी वेक्टर का जो ए और बी वेक्टर जो है, ठीक है, यहाँ जब एंगल एंगल बिटवीन ए वेक्टर और एंड बी वेक्टर जो है, ठीक है, इसके बीच में क्या है, एंगल कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, एंगल जो क्या है, ग्रेटर ग्रेटर देन 90 डिग्री, अर्थ में ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो मतलब क्या होगा, अब देखो थोड़ा सा हम अगर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, अगर मान लो ये मेरे पास बी वेक्टर है, ठीक है, और ए वेक्टर क्या होगा, ऐसे होगा, ये मेरे पास ए वेक्टर होगा, तो मतलब इस केस में अगर हम ए वेक्टर कंपोनेंट करें, अगर ए वेक्टर का हम कंपोनेंट करें तो ए वेक्टर कंपोनेंट एक कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी के अपोजिट होगा और एक परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये तो होगा ए पैरेलल और ये हो गया ए परपेंडिकुलर। अब देखो इसके अपोजिट है ये,
ये क्या है अपोजिट टू दी, ये क्या है अपोजिट टू, अपोजिट टू की तरह। इसका मतलब ये क्या होगा स्पीडिंग डाउन करेगा, ये स्पीडिंग डाउन, ये हमारे क्या क्या स्पीड को घटाएगा, ये स्पीड घटा, ये तो क्या करता है डायरेक्शन चेंज करता है कंप्यूटर को, क्या करता है वो डायरेक्शन चेंज करता है, ये क्या करता है कि डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पैरेलल कंपोनेंट है वो क्या आया अपोजिट टू द वेक्टर आया, मतलब वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट आया, ये पता चल गया ना हमको डॉट प्रोडक्ट निकालने से, क्योंकि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट दोनों का डॉट जो किए थे वो मेरे पास निगेटिव आया था, निगेटिव आया था तो इसका मतलब हमें ये समझ गए कि दोनों के बीच में जो है एब्ट्यूस एंगल है, मतलब 90 डिग्री से अधिक एंगल है, और इस केस में जो है यहाँ जो एक ए वेक्टर का कंपोनेंट जो है बी वेक्टर की दिशा में नहीं आएगा, इसके इसके पहले इसके साथ में नहीं आएगा, इसके कोई डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, जो कि इसको स्पीडिंग डाउन करेगा। तो ये इतना कुछ तो अपन सीखे यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ अपन यहाँ से कर सकते हैं, आरसी में ये भी एक अप्रोच कर सकते, डेवलप कर सकते हैं यहाँ से, आरसी में चलो क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरसी में, ठीक है। चलो आगे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ फोर्स 2i-3j+k, ठीक है, displaces a body from a, जैसा कॉम्पोनेंट है, मतलब जैसा कि मेरे पास कोऑर्डिनेट है 2, 0, -4, ठीक है, 2b, मतलब एक फोर्स है इतना का, इतना फोर्स जो कि बॉडी को डिस्प्लेस कर दे रहा है यहाँ से लेके बी तक, और इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास 3-2, 2, ठीक है। फाइंड वर्क डन, ऐसे पूरा कि फाइंड वर्क डन, वर्क डन कितना होगा फोर्स के द्वारा, फोर्स कितना वर्क डन कर रहा होगा ये हमसे पूछ रहा। तो हमको पता है जब अपन वर्क डन निकालते हैं तो हमको पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या होता है फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ डॉट आर होता है, ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हम निकालें तो क्या होगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ठीक है, आर इनिशियल ये होगा, और फाइनल कितना बी पे है, और इसको अगर आई कैप जे कैप में लिखे तो क्या होगा बी का वो क्या लिखेंगे 3i-2j, ठीक है, +2k, ये करेंगे, ये तुम्हारा बी वेक्टर हो गया माइनस, और ये वेक्टर कितना है -2i+0 तो 0 हो गया, -4 k, ये है अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं आई कैप 2j+2k, -2i+4k, ठीक है, ये क्या हुआ 3, 2, 5, 5i, और यहाँ j तो -2j, ठीक है, k क्या हो गया 4, 2, 6, 6k, ये क्या आ गया मेरे पास, ये r वेक्टर आया, r फोर्स वेक्टर मेरे पास इतना है, फोर्स कितना है मेरे पास 2i-3j+k, ये तो हमारे पास क्या आ गया, ये फोर्स आ गया, डॉट प्रोडक्ट आएगा इसका r वेक्टर का, r कितना है 5i-2j, ठीक है, +6k, ये आया, यहाँ से क्या आया हमारे पास डॉट करेंगे तो 5×10, 10, 3, 3×6, -6, और यहाँ पे k कितना आएगा +6, ठीक है, ये हमको सोल्व होकर कितना आया, ये आएगा हमारे पास 22 जूल, हमारे पास वर्क डन कितना आ गया 22 जूल वर्क डन आ गया। ये इस तरह से अपन अपना अप्रोच रहेगा सोल्व करने का, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट का जरूरत नहीं ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो आगे हम बात करते हैं, अब देखो जैसे कि जैसे हमारे पास मान लो दे दिया है, सिर्फ पूछ रहा है एंगल पता करने के लिए, फाइंड एक क्वेश्चन देते हैं एंगल बता, फाइंड एंगल बिटवीन i-2j+k, ठीक है, एंड -2i+j-k, इन दोनों के बीच में हमको एंगल पूछ रहा है, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस, है
यहाँ भी कैसे करेंगे, यहाँ भी मेरा अप्रोच वही रहेगा डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, ए डॉट बी वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है ए बी कॉस थीटा, ये होता है। यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वो क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए बी, ठीक है। तो मान लो इसको ए वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो, ठीक है। यहाँ से ए का पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, मतलब कि ए ए क्या आएगा, वो इसका मैग्नीट्यूड का रूट आएगा इस तरह से, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, कितना आया 4 2 4 2 6 रूट 6। यहाँ भी क्या आएगा, बी वेक्टर का मतलब कि मैग्नीट्यूड ले लो बी, वो क्या आएगा अंदर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 4 2 6, ये भी √6 आएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों का डॉट निकालेंगे, डॉट निकालेंगे तो इन दोनों का डॉट निकाल लो, डॉट निकालेंगे तो यहाँ पे इसके पास 1 है 1 × −2 −2। अब देखो यहाँ −2 × 1 −2 और यहाँ पे 1 × 1 −1, ये आया अपन में √6 × √6, ये कितना आया 2 × 4 = −5 अपन में, यहाँ कितना 6 आ रहा है। ये आया मेरे पास क्या, ये आया cos थीटा, यहाँ थीटा क्या हो गया, थीटा मेरे पास हो गया cos inverse −5/6, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया एंगल, आ गया ऐसे अपन एंगल पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे कर करते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक प्रैक्टिकल मतलब कि पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड 21 मीटर पर सेकेंड, 21 मीटर पर सेकेंड से एक पार्टिकल चल रहा है अलोंग अलोंग एक वेक्टर के अलोंग चल रहा है अलोंग 2i + 3j, ठीक है, +6k, इसके अलोंग एक पार्टिकल वेलोसिटी मतलब कि मूव कर, ठीक है, 21 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। इफ अगर अब क्या करते हैं, अगर मेरे पास एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है, 3i − j + 4k, इतना का क्या लग रहा है, इतना का एक इतना न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, इतना न्यूटन फोर्स, ठीक है, फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है, देन फाइंड पावर। तो इस फोर्स के द्वारा पावर कितना डिलीवर कर रहा है, पावर हमको पता करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, मुझे पावर पूछ रहा है और फोर्स दिया हुआ है और एक वेक्टर के अलोंग ये स्पीड लग रहा है। अब देखो ध्यान दो, हमको पता है कि पावर जो होता है, पावर क्या होता है, ये भी स्केलर प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स का और वेलोसिटी का, है ना, वेलोसिटी स्पीड नहीं वेलोसिटी है, ये क्या है, दिस इज द वेलोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा प्लस मैग्नीट्यूड होगा और साथ में क्या होगा, डायरेक्शन होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन होगा। तो ध्यान रखना इसका जो मैग्नीट्यूड, तो हमको ये मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, स्पीड, ये क्या है, स्पीड, और ये डायरेक्शन हमको दिया है अलोंग द ए वेक्टर, अलोंग मान लो ये ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर मान लेते हैं इसको, ठीक है, ए वेक्टर के अलोंग यहाँ पे हमको दिया डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे ए कैप कर लेंगे हम, इस ए वेक्टर का पहले हम क्या निकालते हैं, इसका हम क्या निकालते हैं, मतलब यूनिट वेक्टर निकालते हैं, क्या वो क्या होगा, ए वेक्टर अपन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर कितना है −2i + 3j + 6k, ये है अपन में इसका रूट लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो उतना 4 3 3 9 और 6 36, 36 9 9 45 4 49, ये आया मेरे पास i + 3j + 6k, ठीक है, अपन में 7, ठीक है, 7 आ गया, ये हमारे पास ए वेक्टर आ गया। तो यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर मेरे पास क्या आएगा, वो आएगा 21 × 2 i
थ्री जे प्लस सिक्स के अपन में सेवन, सात या इक्कीस, यस क्या आ गया माइनस सिक्स आई प्लस थ्री जे प्लस सिक्स के। एक सेकेंड, नहीं नहीं गलत हो गया ना, यहाँ पे क्या होगा तीन दोनों छः माइनस सिक्स आई, तीन दिया नौ प्लस नाइन जे क्या, तीन दोनों छतरी अठारह, अठारह के क्या, ये हमारे पास क्या है वेलोसिटी वेक्टर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अगर हमारे पास ये वेलोसिटी वेक्टर है, मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया और फोर्स वेक्टर मेरे पास दिया भी है, फोर्स वेक्टर हमको क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या है वो क्या थ्री आई माइनस जे प्लस फोर के, एक हमारे पास फोर्स वेक्टर आ गया। अब मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर फोर्स वेक्टर दोनों आ गया, तो पावर सिंपली निकाल लेंगे डॉट प्लॉट करके। ठीक है, तो अब यहाँ से हम पावर निकालेंगे। ठीक है, पावर क्या होगा यहाँ पर मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, वो करेंगे तो क्या आएगा, दोनों का डॉट प्लॉट ले लो, माइनस सत्रह अठारह, ठीक है माइनस नाइन, ठीक है और अठारह बहत्तर प्लस बहत्तर या यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 45 वाट आर से मिनट, ये हमारे पास पावर है, इसे कंट्रोल करेंगे पावर, ध्यान रखना। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान रखना वेक्टर कैसे निकालने हैं, अलोंग दिया हुआ है तो इस तरह से आर से वो निकालते। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कोई दिक्कत अरे बोलो। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे अगर बात करते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन करेंगे आज, बहुत क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड फाइंड कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ टू आई प्लस थ्री जे। ठीक है, टू आई प्लस थ्री जे अलोंग अलोंग आई प्लस जे, आई प्लस जे के अलोंग हम इसका वेक्टर निकालना। अब देखो इसकी अलोंग, इसकी अलोंग निकालना है हमको, जैसे कि यहाँ पे हम डॉट प्लॉट कर देते हैं, तो यहाँ पे ये बी वेक्टर लेते हैं और ये ए वेक्टर लेते हैं, और ए वेक्टर के अलोंग था बी वेक्टर, क्या ये बी बी पॉजिटिव था, ये ए के अलोंग था, ए के अलोंग इसके अलोंग, तो अलोंग को ए मान लेते हैं, मान लो इसको ए वेक्टर मान लो। ठीक है, और ये इसको बी वेक्टर मान लेते हैं, इसका कंपोनेंट निकालना है इसके अलोंग। ठीक है, तो हमको बी पॉजिटिव यहाँ पे निकालना है, तो बी पॉजिटिव कैसे निकाल लेते हैं, यहाँ से बी पॉजिटिव क्या था, ए और बी का जो था डॉट प्रोडक्ट अपन में ए, मतलब ये जो जिसके अलोंग निकालना उसका मैग्नीट्यूड लेते थे यहाँ पे, ये कर देते, तो मतलब यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड लेना है, ये तो इसको ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर, इसको ए वेक्टर मान लिया हम। ठीक है, यहाँ से पहले तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, यहाँ पे ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, जो कि ए होगा वो क्या होगा अंदर रूट ऑफ वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, ये आ गया, हमसे निकालना क्या, हमको सिंपली हमको बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ द इतना ए वेक्टर का, तो मतलब हमको बी कोसेटा पूछ रहा है, हमसे हमसे बोल रहा है बी कोसेटा क्या आएगा, ए पूछ रहा है, ये क्या होगा, ये होगा मेरे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है अपन में ए वेक्टर, ए वेक्टर का मोड मतलब कि मैग्नीट्यूड, ये निकालना है, इनका डॉट प्रोडक्ट लो, डॉट क्या आएगा इन दोनों का, टू इंटू वन टू, थ्री इंटू वन थ्री, थ्री अपन में टू, ये आएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा फाइव बाई रूट, ये हो गया मेरे पास, ये तो हो गया मेरे पास, ये मतलब एक तरह से ये हमारे पास पैरेलल पैरेलल का मॉडल है। अगर हमसे पूछ दे भाई ये बताओ वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, मतलब कि बी बी पैरेलल कंपोनेंट निकालना बी वेक्टर का, उसका वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, बी वेक्टर का जो मोड आया हमारे पास ये एन टू ए कैप, ये है ना ए कैप, ए कैप अगर यहाँ से निकालते हैं ए कैप, तो क्या आएगा ए वेक्टर, ठीक है ए वेक्टर अपन में ए, ए वेक्टर कितना आई प्लस से अपन में रूट, ये आएगा ना, ये है मेरे पास, इसको यहाँ पे सिंपली गुणा कर, यहाँ पे क्या आया फाइव बाय रूट टू इंटू, ये क्या होगा आई प्लस ए अपन रूट टू, ये क्या आ गया मेरे पास फाइव बाय रूट टू, फाइव बाय टू आई क्या प्लस जे क्या, ये है मेरे पास बी जो पैरेलल कंपोनेंट उसका वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमको ये निकाल सकते अपन, कोई दिक्कत, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, क्या आ गया हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आगे, जैसे मान लो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन ले ली, कि मान लो इफ हमारे पास ए वेक्टर है,
ए वेक्टर दे दिया हमको सी टू आई, ठीक है, टू आई प्लस थ्री सी माइनस के कैप, ठीक है, आई कैप ए टू आई माइनस प्लस थ्री जे प्लस माइनस के कैप, और हमारे पास बी वेक्टर जो है वो है हमारे पास आई कैप, ठीक है, माइनस अल्फा जे कैप, ठीक है, प्लस टू के कैप, ये दिया हुआ। अगर यहाँ पर करा इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो है, ए वेक्टर बी वेक्टर जो है ये आर परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर दूसरे क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है, देन फाइंड अल्फा, देन फाइंड अल्फा। तो जैसे हमको दिया परपेंडिकुलर तभी दिमाग में क्लिक करना चाहिए, जैसे बोला परपेंडिकुलर तभी क्लिक करना चाहिए कि ए डॉट बी जो होगा इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा जीरो होगा। ये सिंपल दिमाग में बत्ती चलना चाहिए, हमारे दिमाग का जो है ये बत्ती चलना चाहिए कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए जीरो होगा। तो क्या होगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो सिंपल, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है ना जीरो करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट टू इंटू वन टू माइनस अल्फा इंटू माइनस थ्री अल्फा, ठीक है, माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से टू इधर गया तो कट गया, ठीक है, तो अल्फा यहाँ जीरो आ जाए, अल्फा वैल्यू कितना आया जीरो, ठीक है, अच्छा ये हो गया। अरे ऐसे करेंगे ना माइनस थ्री अल्फा इधर थ्री अल्फा इक्वल्स टू इधर तो कट ही गया ना जीरो हो गया ना जीरो, तो अल्फा बराबर कितना आ गया जीरो बटा तीन मतलब जीरो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। मतलब इस तरह से अच्छा जीरो तो आ गया, मतलब इस तरह से अगर पूछे तो ऐसे निकाल देते, ऐसे मेरा रोच रहेगा क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, चलो फिर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड फाइंड कंपोनेंट कंपोनेंट आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, ठीक है, अब इतना इसका कंपोनेंट निकालना परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू आई प्लस जे प्लस के, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर निकालना है इसका, ठीक है, जिसका कंपोनेंट निकालना है तो उसको हम बी मान लेते हैं, ये बी वेक्टर है, और जिसके परपेंडिकुलर जिसके अलोंग निकालना उसको ए वेक्टर मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो हमसे एक तरह से हमसे क्या पूछ रहा है पता है, हमसे पूछ रहा है बी परपेंडिकुलर क्या होगा, बी परपेंडिकुलर क्या होगा, हमको पता था बी पैरेलल निकालेंगे तो बी वेक्टर से बी का पैरेलल वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना, इसके लिए पहले हमको बी पैरेलल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बी पैरेलल कैसे निकालते हैं, बी पैरेलल निकालने के लिए हमको बी पैरेलल वेक्टर निकालेंगे, तो पहले बी पैरेलल निकालते हैं क्या होता है मेरे पास सीधा बी पैरेलल क्या है बी कॉस थीटा, ये क्या है बी कॉस थीटा, अच्छा बी कॉस थीटा निकालते थे क्या करते हैं तो ए और बी का क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट अपन में ए करते हैं, ये निकाल लेते हैं, और उसके बाद हमारे मान लो हमारे पास बी पैरेलल वेक्टर का वेक्टर निकालना क्या निकालते हैं, तो ये जो आया मेरे पास ये जो आया मतलब जो हमारे पास पैरेलल का ये वैल्यू आया इनटू ए का मोड ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं, पहले अपन इसको सोल्व करेंगे तो दोनों का डॉट ले लो, डॉट कितना आएगा वन इंटू वन वन, ठीक है, टू इंटू टू टू, थ्री इंटू थ्री थ्री थ्री, ठीक है, अपन में ए का मोड, ए का मोड क्या आएगा वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर, ये रूट थ्री आएगा, ए वेक्टर कितना है वन ही आया, ठीक है, रूट थ्री, तो अपन में रूट थ्री तो मतलब तीन दो पाँच एक छः सिक्स बाय रूट थ्री, ये आया मेरे पास क्या ये आया मेरे पास बी पैरेलल। अब एक कैप निकलना यहाँ पे तो सिक्स बाय रूट थ्री, ये क्या आएगा आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, अपन में रूट थ्री है, अपन में क्या है तो रूट थ्री, ये कैप आएगा इसका एक कैफ, ठीक है, तो ये क्या आया मेरे पास रूट थ्री रूट थ्री थ्री से हमें टू टू, ये थ्री से कट जाएगा ना टू टाइम्स में टू आई प्लस टू जे प्लस टू के, ये क्या आया मेरे पास पैरेलल वेक्टर आया। अब इसको जो है वहाँ माइनस करना बी वेक्टर से, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया, वो क्या आएगा मेरे पास बी वेक्टर, बी वेक्टर कितना है मेरे पास ये आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, है, इससे माइनस करना है टू आई प्लस टू जे
प्लस टू के माइनस करना है, ठीक है, सिंपली माइनस करेंगे तो यहाँ वन आई से टू आ गया, ये आई माइनस आई, ठीक है, प्लस जीरो हो गया ये, के में से थ्री के में से टू के गया तो के, ये है मेरे पास पैरेलल वेक्टर। ये क्या है मेरे पास, माइनस आई प्लस के, ये है मेरे पास पैरेलल वेक्टर कंपोनेंट आर एस में। तो इस तरह से हमारा अप्रोच होना चाहिए, अप्रोच समझ में कैसे हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आगे कि एक को मेरे पास क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 3i माइनस j प्लस k, ये हमारे पास पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, एंड एक्सलेशन जो दिया हुआ है, एक्सलेशन वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आई माइनस जे माइनस के, ठीक है, ये दिया हुआ है फाइंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, ये हमसे पूछा। तो पहले यहाँ पे ये समझना होगा कि ये रेट ऑफ चेंज इन स्पीड क्या होता है। ये है हमारे पास डी बी वेक्टर अपन डी टी, ए बी वेक्टर का मोड का डी टी, ठीक है, ये हमारे पास स्पीड का चेंज है, और ये क्या है, ये है हमारे पास अलोंग द वेक्टर, जो अलोंग अलोंग द वेलोसिटी, वेलोसिटी के अलोंग जो होगा, मतलब कि हमारे पास अलोंग वाला, मतलब कि बी पैरेलल वाला पूछा है, ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मतलब सिंपली हमसे ये ही पूछ रहा है, ठीक है, मतलब ये पैरेलल निकालते तो क्या निकालते हैं, बी कॉस थीटा निकालते हैं ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन का कंपोनेंट करेंगे, इसका कंपोनेंट करेंगे, ठीक है, वेलोसिटी के अलोंग, तो वेलोसिटी इसका एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है, जो वेलोसिटी के अलोंग है, ठीक है, वेलोसिटी के अलोंग है, वो पूछ रहा है हमसे, जिसका कंपोनेंट करते हैं उसका बी मान लेते हैं, उसको बी वेक्टर, जिसके अलोंग मानते हैं उसको ए वेक्टर मान लेते हैं, ये ए वेक्टर, तो हमसे पूछ रहा है बी पैरेलल बताओ, तो बी पैरेलल हमको सिंपल पता है कि बी कॉस थीटा होता है, क्या होता है, बी कॉस थीटा होता है, और बी कॉस थीटा निकालते कैसे हैं, ये निकालते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में ए, ये निकालते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है हमसे, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड पूछ रहा है, जो कि स्पीड को बढ़ाएगा घटाएगा, स्पीड को चेंज कौन करेगा, हमको पैरेलल कंपोनेंट ही करेगा ना, मतलब कि मेरे पास जो एक्सप्रेशन का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वही तो क्या करेगा, स्पीड को चेंज करेगा, और इसमें ए पैरेलल पूछ रहा हमसे, ठीक है, ये ठीक है, ए पैरेलल पूछ रहा हमसे, ठीक है, अपन ने कंपोनेंट पूछता तो ए अपन ने पूछता हमसे, ठीक है, ये जो स्पीड चेंज कर रहा है यहाँ पे। चलो तो यहाँ से हम डॉट प्रोडक्ट निकालो दोनों का, तो ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर है हमारे पास, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो 3 × 1 क्या आया, 3 × 1 3 माइनस 1 × 1 प्लस 1 माइनस 3 × 1 माइनस 1 अपन में ए का, ये जो ए वेक्टर इसका मोड ले लो, 3 या क्या हुआ अंडर रूट ऑफ 3 का 9 प्लस 1 प्लस 1, दिया है क्या मेरे पास 3/√11, तो 3/√11 यही मेरे पास आंसर होगी, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड पूछा था उनको पैरेलल, मतलब एक तरह से ए ए पैरेलल है, ए पैरेलल वेक्टर जो कि पैरेलल कंपोनेंट, क्योंकि इसका क्या करेगा, स्पीड को चेंज करेगा, ठीक है, स्पीड को चेंज करेगा, तो यही हो गया सिंपल, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना,
रहा कि ए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू, ठीक है, नॉन कोलिनियर वेक्टर, ये दोनों क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है, एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो दिया हुआ है, इसका जो मोड दिया हुआ है वो दिया हुआ है √3, ठीक है। देन फाइंड, अच्छा नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर ही दिया हुआ है, ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। देन फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इनटू डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है। और इसमें अब ध्यान, तो ये पूछ रहा हमसे क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन, पहले तो ये देखो यहाँ पे ये दोनों क्या है, दोनों यूनिट वेक्टर का मोड दिया हुआ है √3, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, ए ए डायरेक्शन में अलग होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे √3 जब होता है, तो याद है जब दो मैग्नीट्यूड जिसका सेम हो उसका अगर √3 होता था रिजल्टेंट, तो इसका थीटा कितना होता है 60 डिग्री, ठीक है, एंगल कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। और उसमें उसको वैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा पे करेंगे ना, तो √3 मतलब कॉस थीटा का वैल्यू इतना आएगा, ठीक है। और उसमें ए वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड इसका क्या है, ए का ए यहाँ पे क्या है, ए 1, बी क्या है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर दिया हमको यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये होता है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 का स्क्वायर, ठीक है, cos थीटा इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर, 3 करेंगे ना, तो यहाँ से मेरे पास cos थीटा जो आएगा ना 1/2 आएगा, थीटा यहाँ से क्या आएगा मेरे पास 60 डिग्री आएगा, ऐसे निकालेंगे, ये सिंपल, ये थीटा निकल यहाँ से। अब यहाँ वैल्यू को निकालना है, यहाँ पहले इन दोनों क्रॉस गुना करते हैं, जब गुना करेंगे इसको तो ए वेक्टर इंटू 2a, तो 2 × a वेक्टर के वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये आया, फिर ए को बी से करो प्लस क्या आया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर क्या आया माइनस 2a वेक्टर बी वेक्टर डॉट, फिर बी को बी से करेंगे माइनस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अब देखो ए ए यूनिट वेक्टर, तो इसका तो सेम का 1 ही होगा, यहाँ क्या आएगा 2 प्लस ए बी कॉस थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस 1, ठीक है। अब देखो ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 ही होगा, तो यहाँ से क्या आएगा 2 प्लस यहाँ पे क्या होगा कॉस थीटा 2 cos, मतलब ए बी प्लस 2ab, तो माइनस यहाँ क्या आएगा माइनस ए बी कॉस थीटा माइनस 1, तो 2 माइनस ए बी का वैल्यू 1, कॉस थीटा का वैल्यू 1/2, ठीक है, माइनस 1, तो ये क्या हो गया -1 -1 1, 1 - 1/2, ये 1/2, ये आंसर है, ठीक है, बोलो सिंपल है, ये हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे हम सिंपली कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास है कि ये बताओ, इफ मेरे पास ए कैप प्लस 2b कैप, ठीक है, ए कैप प्लस 2b कैप इज परपेंडिकुलर, ये मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर है 2 वेक्टर 5a कैप माइनस 4b कैप, ठीक है, इनके परपेंडिकुलर है, देन फाइंड एंगल बिटवीन, ठीक है, ए कैप एंड बी कैप, इसके बीच में ये वेक्टर, ये पूरा वेक्टर और ये पूरा वेक्टर जो है ना वो परपेंडिकुलर आपस में, तो
तो ए और बी के बीच में एंगल कितना है, ये हमसे पूछ रहा है। ए और बी के बीच में एंगल कितना है, ये हमसे पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ऊपर के जैसा ही क्वेश्चन है। देखो सिंपली ए और बी पूछ रहा है, और ये बोल रहा है ए वेक्टर जो, ये वेक्टर जो, ये वेक्टर और ये वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर है, ये मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कि यहाँ से ए कैप प्लस टू बी कैप, इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ, फाइव ए कैप माइनस फोर बी कैप के साथ, इसके साथ जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। इसको करो ना, करो यहाँ से ए और ए, फाइव ए कैप डॉट ए कैप, ठीक है, माइनस फोर ए कैप डॉट बी कैप, ठीक है, पंद्रह प्लस पंद्रह दस ए कैप बी कैप, ठीक है, फिर चार दो आठ, माइनस आठ बी कैप बी, ठीक है, बराबर जीरो, ठीक है, ये दिया है हमको बराबर जीरो है। अब ध्यान दो, ए कैप इधर यूनिट वेक्टर है, तो क्या होगा यहाँ पे, वन हो जाएगा, तो पाँच माइनस फोर ए, ए और बी दो वन हो गया, इंटू वन इंटू कोसीटा, ठीक है, प्लस फोर इंटू वन इंटू कोसीटा, ठीक है, माइनस एट बराबर जीरो। अब ध्यान दो, ये क्या आया, पाँच माइनस फोर कोसीटा, ठीक है, यहाँ पे दस में है, दस इंटू वन प्लस टेन कोसीटा माइनस आठ बराबर जीरो, ठीक है, यहाँ क्या आ गया, पाँच प्लस सिक्स कोसीटा माइनस एट बराबर जीरो, तो यहाँ से क्या आ गया, कोसीटा बराबर क्या आ गया, पाँच में साठ गया माइनस तीन, तो इधर तीन थ्री और सिक्स इधर रखनी चाहिए, सिक्स ये वन बाय टू, थीटा कितना है यहाँ से 60 डिग्री। ये थीटा किसके बीच में है, ए और बी के बीच में, और समय यहाँ पे कोसीटा करे थे ना, ये आर समय, ये हमारे पास हैंडल हो गए क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना, गुड क्वेश्चन, ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया सिंपल, और करेंगे एक को, चलो एक को सॉल्व कर लेते हैं। अगर बात करते हैं पी वेक्टर बराबर ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस थ्री के कैप, ये दिया है, एंड क्यू वेक्टर दिया हुआ है वो अपने पास कितना, ए आई माइनस टू जे माइनस के आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये परपेंडिकुलर ईच अदर है, देन फाइंड ये पूछ रहा हमसे क्या हो, तो सिंपल ही है भाई, देखो सिंपल ही, इसका मतलब परपेंडिकुलर, जैसे बोल दिया परपेंडिकुलर, तो ये पता चलना चाहिए कि पी डॉट क्यू जो होगा ये क्या होगा, जीरो है, सिंपल कर दो जीरो ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ए और ए, ए स्क्वायर ए और माइनस टू माइनस टू ए, थ्री और टू वन माइनस थ्री बराबर जीरो, ठीक है, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बन गया, ये तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दो, तो मतलब क्या होगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस ए माइनस थ्री बराबर जीरो, मिल रहा है, स्प्लिटिंग कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया, ए कॉमन ले लो ए माइनस थ्री, यहाँ माइनस वन कॉमन ले लो, प्लस वन कॉमन ले लो, ए माइनस थ्री बराबर जीरो, यहाँ से क्या आ गया, ए प्लस वन इंटू ए माइनस थ्री बराबर जीरो, एक वैल्यू हमें दो आ गया, ए बराबर माइनस वन एंड प्लस थ्री, ये इस तरह से हमारा, चलो और नहीं देते हैं फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट का, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट इतना एप्लीकेशन हमसे पूछ सकता है, ठीक है, अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है, और उसके आगे देखेंगे, ठीक है, थैंक यू।